ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये लुसेंट ट्रांसलेशन का दूसरा अध्याय है। क्या अध्याय है? दूसरा अध्याय रहेगा। लुसेंट का क्या अध्याय है? दूसरा अध्याय रहेगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आपको रूल को बता दूं कि क्या रूल रहेगा। सबसे पहले रूल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट मतलब क्या था, नाउन। ऑब्जेक्ट में अगर नाउन रहता है, नाउन, तो उसके पहले एन का प्रयोग आ सकता है, तब आएगा जब क्या होगा, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। पहली बात ये आप जानेंगे क्या होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो एन आ सकता है। दूसरी बात आप ये जानेंगे कि एन का जो प्रयोग है ना, मतलब किसके लिए आएगा, वैसा हिंदी उच्चारण जिसका अ से अ तक में कोई भी आ जाए, से जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ऑनेस्ट, क्या लिख दिया मैंने, ऑनेस्ट लिख दिया, ऑनेस्ट ऑनेस्ट आ गया, अर्थात एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट होता है, तो इसके पहले आ जाएगा एन ऑनेस्ट, है ना। अब इसका कोई ना कोई मैन लगना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ऑनेस्ट ईमानदार को गिन नहीं सकता है, उसके साथ कुछ ना कुछ नाउन लगना पड़ेगा। उसी तरह देखते हैं, चाहे इंजीनियर देख लेते हैं, इंजीनियर क्या देख लेते हैं, इंजीनियर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ई से आ गया तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा। तो इस तरह से हमारा क्या बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद नाउन। अब सिंगुलर रहेगा पुल्लिंग रहेगा, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। और मैं आपको बता दूं, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें भी, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक हम भी अपने वो जो 1000 सब्सक्राइबर होता है, 1000 का उसका हम क्रॉस कर जाए, जिससे क्या हो, लाइव भी आ जाए, कुछ क्लास लाइव भी ले लेंगे, कुछ क्लास रिकॉर्डेड भी ले लेंगे, इससे और क्लास ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी से क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहला लिखता है कि मैं शिक्षक हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम अ टीचर, क्या बनेगा, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर हो गया। फिर कहता है कि हम लोग अभियंता हैं, तो हम लोग का हो जाएगा वी हो जाएगा, आर हो जाएगा, अभियंता का हो जाएगा इंजीनियर, लिख देता हूँ ई एन जी आई एन डबल ई आर एस, इंजीनियर होगा, मैंने बहुत बार इंजीनियर हो गया, इसलिए क्या होगा, इस बार ए नहीं आएगा। फिर कहता है तुम डाकिया हो, तुम डाकिया मतलब एक की बात कर रहा है, यू आर अ पोस्टमैन, पोस्टमैन होता है डाकिया होता है। फिर कहता है कि तुम लोग जादूगर हो, अब तुम लोग मैंने बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा यू आर ए मैजी आई सी आई ए एन एस, मैजिशियंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यू आर मैजिशियंस। तो इस तरह से मैं सबको इरेज कर देता हूँ, मैजिशियन हो गया। फिर कहता है वह चपरासी है, तो क्या बनेगा, ही अ लग जाएगा, प्यून प्यून हो जाएगा, पी ओ एन प्यून माने चपरासी होता है, ये आ गया क्योंकि क्या है, नाउन सिंगुलर है, तो इसलिए आएगा ही आएगा। वे लोग चालक हैं, तो क्या बन जाएगा, दी माने वे लोग आर चालक होगा, ड्राइवर्स क्या हो जाएगा, ड्राइवर्स हो जाएगा, डी आर आई वी आर एस ड्राइवर्स, क्या हो जाएगा, डी आर आई वी आर एस ड्राइवर्स। इस तरह के खुशवंत सिंह पत्रकार हैं, खुशवंत खुशवंत के एच यू एस, खुशवंत होगा के एच यू एस, खुशवंत डब्ल्यू एन खुशवंत सिंह एस आई एन जी एस, खुशवंत सिंह इज का है एज, और पत्रकार क्या होता है, जर्नलिस्ट होता है, जे ओ यू आर एन एल आई एस टी, जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार होता है जर्नलिस्ट का। उसे कहता है कि शिवानी लेखिका है, ये सॉरी एस एच आई वी ए एन आई, शिवानी इज अ डब्ल्यू आर आई टी ई आर, राइटर होने मतलब लेखिका होता है। फिर कहता है आप लोग नौकर हैं, तो क्या बनेगा, यू आर ए सी आर वी ए एन टी एस। ये बात मैं बता दूं, लुसेंट का किताब ऑक्सफोर्ड का थोड़ा टफ होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, फिर आपको पेपर में सबका हिंदी करने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कब आएगा, जब रेगुलर क्लास को आप अटेंड करेंगे तो आएगा। ऐसा नहीं कि मैं कह दिया तो चलो भाई सर कह दिया तो हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, आपको खुद करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को फॉलो करके आपको सीखना पड़ेगा। फिर कहता अनिल का भाई दंडाधिकारी है, अनिल का भाई ना, तो एक तो हो जाएगा अनिल ब्रदर्स कर सकते हैं, अनिल में पोस्ट ऑफिस अनिल ब्रदर्स, इज क्या है अनिल ब्रदर इज ए मजिस्ट्रेट है, एम ए जी आई एस टी आर ए टी, ये तो बात हो गया मजिस्ट्रेट बन गया कि अनिल ब्रदर इज ए मजिस्ट्रेट। तो ये पोस्ट ऑफिस का हिंदी क्या होता है, का आता है, चाहे ये भी बना सकते थे कि द ब्रदर बी आर ओ टी एच, द ब्रदर ऑफ अनिल, क्या है द ब्रदर ऑफ अनिल इज ए मजिस्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं होता, द ब्रदर ऑफ अनिल कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस तरह हो गया, उसकी बहन ऑफिसर है, उसकी बहन है ना, उसकी बहन मान के हर सिस्टर, हर सिस्टर, हर सिस्टर इज एन ऑफिसर होगा बाबू, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिसर हो गया, उसके बन के ऑफिसर है। तो आगे देखते हैं कि रंजीत और संजीत खिलाड़ी है, रंजीत, ऐसे तो रंजीत का मैंने एम लिख दिया लेकिन यहाँ लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्या, या फिर ऐसे लिख सकते थे आर ए एन जे डबल ई टी रंजीत, एंड एस ए एन जे आई टी भी ढेर लिखता है लोग, ढेर लोग एस ए एन जे डबल ई टी भी लिख सकते हैं संजीत का। आर क्या हो गया प्लेयर्स हो गया, मैं दोनों नाम को दोनों तरीके से लिख दिया था, प्लेयर्स होगा बाबू, इसलिए होगा कि क्या है संजीत एंड रंजीत आर द नेम ऑफ पर्सन है, दो व्यक्ति का नाम है और वो भी एंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा सब्जेक्ट प्लुरल होगा, तो वर्ब भी प्लुरल होगा, जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो नाउन भी क्या होगा प्लुरल होगा, क्योंकि व्यक्ति दो है, इसलिए क्या हो गया संजीत एंड रंजीत आर प्लेयर्स। ठीक है, हम लोग व्यापारी हैं तो वी आर मर्चेंट, एम ई आर सी एच ए एन टी एस मर्चेंट्स, या फिर आप लिख सकते हैं मर्च एम ए आर होता है, सॉरी एम ए आर मर्चेंट, हाँ, या फिर लिख सकते हैं व्यापारी है ना, तो बिजनेस लिख दीजिए बी यू एस आई एन ई डबल एस बिजनेस, दोनों मिलकर मेन हो गया, बिजनेस मैन हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा था। या सड़क है तो बना दीजिए दिस इज अ रोड, क्योंकि क्या है दिस क्या है अभी प्रोनाउन में है, प्रोनाउन सिंगल है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अ रोड, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है कि ये सड़कें हैं तो बनेगा दीज आर, अबर नहीं लगेगा ये रोड्स, दीज आर रोड्स। उस तरह कहते कि रामपुर एक गाँव है, आर ए एम पी रामपुर इज अ विलेज। उस दिन आगे देखते हैं लिखता है कि पटना एक शहर है तो क्या बनेगा, पटना इज द नेम ऑफ प्लेस है तो पटना इज अ टाउन, पटना इज अ टाउन, इस तरह से क्या होता है इसका भी समाप्त होता है। तो थोड़ा सा फोटो को मैं ऊपर कर देता हूँ इसलिए कि यहाँ पे दिक्कत ना हो। अब देखेंगे जो बातें हैं, फिर से मैं यहाँ पर एक बार कलम चलाता हूँ, जितना भी क्या है ये वोकैबुलरी है इसको याद रखेंगे जिससे वो हेल्प होगा, और फिर से मैं इसको हटा देता हूँ और फिर देखता हूँ ये कुछ नीचे है जो बात को क्या लिखा है इंग्लिश में लिखा है, इसको कह रहा है कि ट्रांसलेट इन टू हिंदी, तो हिंदी में भी मैं कर देता हूँ आपके सामने जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, लिखा कि आई एम ए पोएट, तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, इसका हिंदी हो जाएगा कि मैं एक कवि हूँ, क्या हो जाएगा कि मैं एक कवि हूँ। ठीक है, मैं कवि हो गया। ठीक है, तक यू आर एन आर्टिस्ट, क्या हो तुम एक क्या हो कलाकार हो, क्या हो तुम एक कलाकार हो। ठीक है, तक वी आर प्लेयर्स, क्या है हम लोग, क्या हैं हम लोग खिलाड़ी हैं। इधर आगे कहता है नंबर फोर में कि ही इज अ टीचर, क्या है ही इज अ टीचर, मैंने कहा है वह एक शिक्षक है, वह एक
शिक्षक है। कह रहा सीज सिंह क्या है, वह एक क्या है, वह एक गायिका है। फिर आया कहता है कि दे आर पॉलिटिशियन क्या है, वे लोग क्या है मतलब नेतागण है, एक तरह नेतागण कहिए नेतागण है, या कह के वे लोग क्या है कि पॉलिटिशियन मैंने राजनीतिक लोग हैं, या लिख देंगे राजनीतिक लोग हैं। फिर आया कहता है कि श्रीलंका इज एन आइलैंड, क्या है श्रीलंका, क्या है श्रीलंका, एक क्या है द्वीप है ना, आइलैंड में द्वीप होता है, तो क्या है श्रीलंका क्या है द्वीप है। उधर कह रहा है एवरेस्ट इज ए माउंटेन, क्या है एवरेस्ट, क्या है एवरेस्ट एक पहाड़ है, क्या है एवरेस्ट एक पहाड़ हो गया। उधर आया कहता है कि द गंगा इज रिवर, क्या है गंगा एक नदी है, ठीक है। उसे कहता है इंडिया इज ए कंट्री, क्या है भारत एक देश है। इस तरह से क्या करते हैं कि दूसरा अभ्यास भी ख़त्म हो जाता है लुसेंट का, और वोकेबुलरी भी साथ से याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट से रहा है। इसे भी क्या करेंगे आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।